नमस्कार, मैं प्रशांत पालेकर कमल इंदु सात्विक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह आज भी हम लेके आए एक ट्रेडिशनल इडली डिश, उसका नाम है काळ्या वाटाण्याचा झुणका। यह मराठी डिश बहुत पॉपुलर और टेस्टी है। दिखाने के लिए हमारे साथ है पद्मा जी। नमस्कार, हमारी आज की जो डिश है काळ्या वाटाण्याचा झुणका, ये बनाने के लिए हमें चाहिए काळे वाटाणे। ये मैंने एक कप काळे वाटाणे लिए थे, पानी में भिगो के रखे थे पूरी रात और सुबह में पानी निकाल के रखा। ये तड़के के लिए जीरा, हींग, ये एक मीडियम साइज प्याज है जो बारीक काट के रखे हैं, ये 15 से 16 गार्लिक पॉड्स, 2 हरी मिर्च, नमक, ये गार्निशिंग के लिए फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, सेब और कुकिंग के लिए ऑयल। अभी हम कृति शुरू करते हैं। पैन गरम हो चुका है तो इसमें डालेंगे हम 3 टेबलस्पून ऑयल। इसमें अभी तड़का देना है तो 1 टीस्पून जीरा, 1 pinch of हींग एस्पोटिडा और ये प्याज। ये सॉटे करके, मैं ये 2 मिनट के लिए सॉटे करती हूँ और ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए रखेंगे स्लो फायर में। ये प्याज जो है वो थोड़ा पकना चाहिए। जब तक ये प्याज पक रहा है हम आगे की कृति शुरू करेंगे। मिक्सी लिए है, इसमें हम डालते हैं ये गार्लिक पॉड्स, हरी मिर्च के मैं टुकड़े करके डालती हूँ और इसके ऊपर ये काळा वाटाणा। ये अभी दरदरा पीसना है, बिना पानी, पानी नहीं डालना है। ये अब दरदरा पीस के तैयार है। हम देखते हैं ये प्याज पका है कि नहीं। प्याज भी पक गया है। अभी हम इसमें ये जो ग्राइंड किया है ये काळा वाटाणा इसमें डालेंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स किया है प्याज और ये जो दरदरा पीसा था काळे वाटाणा। अभी इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और 1/2 चम्मच नमक। मिक्स किया है, अब मैं ढक्कन लगा के रखती हूँ 15 से 20 मिनट तक स्लो फायर में। ये पकने दीजिए। 15 मिनट हो चुके हैं, अभी हम देखते हैं ये तैयार हुआ है कि नहीं। ये बिल्कुल तैयार है, अभी हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। अब ये हम गार्निश करेंगे ये फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, और उसके ऊपर थोड़ी सी सेव।
झुणका अब बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। ये गर्मा गर्म झुणका रोटी ने तो चपाती के साथ आप खाएंगे तो देखिए कैसा मजा आ जाता है। आप इस रेसिपी को हमारे कमलेंदु सात्विक में जरूर देखिए, लाइक कीजिए, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। तब तक हम आज्ञा लेते हैं, धन्यवाद।